दोस्तों, जैसे इंडिया की करेंसी को इंडियन रुपया यानी भारतीय रुपया कहा जाता है, वैसे ही बांग्लादेश की करेंसी को बांग्लादेशी टका कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 2023 में इंडिया एंड बांग्लादेश की करेंसी में कौन सी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग है? अगर नहीं तो देखते रहिए आज का यह वीडियो एकदम लास्ट तक, क्योंकि आज हम काफी सारे फैक्ट्स के आधार पर इंडियन रुपया एंड बांग्लादेशी टका के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, इंडियन करेंसी यानी इंडियन रुपी अगस्त ऑफ 1549 को इंट्रोड्यूस की गई थी। वहीं बांग्लादेश की करेंसी यानी टका बांग्लादेश की आजादी के एक साल बाद यानी साल 1972 में इंट्रोड्यूस की गई थी। शायद इससे पहले बांग्लादेश में पाकिस्तान की करेंसी चलती थी। तो इंडियन करेंसी का कोड है INR यानी इंडियन रुपी, एंड इंडियन करेंसी को RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कराता है। इंडिया में रिजर्व बैंक का काम करेंसी इशू कराना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखना एंड करेंसी सिस्टम को मेंटेन रखना होता है। वहीं बांग्लादेशी करेंसी का कोड है BDT यानी बांग्लादेशी टका, एंड BDT को सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश इशू कराता है। यह बैंक फॉरेन रिजर्व ऑफ बांग्लादेश को मैनेज करता है। साथ ही इस बैंक का काम कंट्री में पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट कराना एंड बैंक नोट इशू कराना होता है। 200 इंडियन करेंसी को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रिंट करता है, एंड इंडियन करेंसी में आपको महात्मा गांधी की पिक्चर फ्रंट साइड पर कंपलसरी देखने को मिलेगी, एंड हर एक बैंक नोट के पीछे कोई ना कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखने को मिलेगा इंडिया का। बांग्लादेशी करेंसी को द सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड प्रिंट करता है, एंड बांग्लादेशी बैंक नोट्स में आपको फ्रंट साइड पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा, जबकि बैक साइड पर डिफरेंट टाइप के बांग्लादेशी मॉन्यूमेंट दिखाई देंगे। दोस्तों, फर्स्टली हम बात करते हैं कॉइन करेंसी की, तो 1973 में बांग्लादेश में कॉइन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन तब 1, 5, 10 और 25 पैसा कॉइन्स ही चलते थे। इसके बाद 1 टका की कॉइन 1975 में इंट्रोड्यूस की गई, जो कॉपर एंड निकल से बनाई जाती थी। लेकिन करंटली बांग्लादेश में 1, 2 और 5 टका की कॉइन्स यूज किए जाते हैं, वो भी रेयरली। 2013 से बांग्लादेश ने कॉइन करेंसी को बनाना भी बंद कर दिया। गाइस, वहीं इंडिया में वैसे तो सिक्कों का प्रचलन काफी पुराने टाइम से है, लेकिन आजादी के बाद इंडिया ने अपना फर्स्ट कॉइन 1 पाइस को 1950 में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद 1957 से लेकर 1967 में इंडिया ने अपने 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 और 50 पैसे के कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि सारे के सारे एल्यूमिनियम से बनाए जाते थे। देन गाइस, 1997 में 20 पैसे के कॉइन को RBI ने डिसकंटिन्यू कर दिया, फॉलोड बाय 10 पैसे कॉइन को 1998 में, जबकि 2002 में 20 पैसे के कॉइन को भी RBI ने डिसकंटिन्यू कर दिया। नाउ प्रेजेंट में इंडिया में पैसे नहीं बल्कि रुपए कॉइन चलते हैं, जो कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के होते हैं, और ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से भी 20 रुपए की कॉइन को रियली यूज किया जाता है। नाउ गाइस, बैंक नोट्स की बात करते हैं, तो बांग्लादेश में 1 टका से लेकर 1000 टका के नोट्स फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, जबकि इंडिया में भी 1 रुपए से लेकर 500 रुपए के नोट्स यूज किए जाते हैं। तो बांग्लादेश का सबसे छोटा बैंक नोट 1 टका का है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जबकि इंडिया का सबसे छोटा नोट भी 1 रुपए का है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके बाद बांग्लादेश की 2 टका की नोट कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जबकि इंडिया की 2 रुपए की नोट कुछ इस तरह की दिखती है। इसके बाद नंबर आता है 5 रुपए की नोट का, तो बांग्लादेश की 5 टका की नोट कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जबकि इंडिया के 5 रुपए कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसके बाद बांग्लादेश का 10 टका कुछ ऐसा दिखता है, जबकि इंडिया का 10 रुपए कुछ ऐसा। साथ ही गाइस, यह है बांग्लादेश के 20 टका की नोट, जबकि इंडिया के 20 रुपए की नोट कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके बाद बांग्लादेश में 50 टका की नोट भी अवेलेबल है, जिसे हम इंडिया के 50 रुपए की नोट से कंपेयर कर सकते हैं। बांग्लादेश का 100 टका कुछ ऐसा दिखाई देता है, जबकि इंडिया का 100 रुपए कुछ ऐसा दिखता है, ब्लू कलर के सेगमेंट में। नाउ गाइस, इंडिया के पास सबसे लास्ट एंड सबसे बड़ी नोट है 500 रुपए की। इससे पहले 2000 की नोट इंडिया में सबसे बड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। साथ ही गाइस, बांग्लादेश की 500 की नोट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा 1000 टका की नोट बांग्लादेश की सबसे बड़ी बैंक नोट है, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। लास्टली गाइस, एक्सचेंज रेट की बात करें, तो इंडिया का 1 रुपए 1.33 बांग्लादेशी टका के इक्वल होता है। दैट्स मीन इंडिया के 10 रुपए 13 बांग्लादेशी टका के इक्वल होंगे, एंड इंडिया के 100 रुपए 130 बांग्लादेशी टका के इक्वल होंगे, यानी कि इंडियन रुपी बांग्लादेशी टका से थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।